दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्ट विजन सेंसर का डेमो करके दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना एक्सपेक्ट विजन जो RVG है वो अपने USB पोर्ट में कनेक्ट करना है। उसके बाद ये एक्सवी डेंटल का सॉफ्टवेयर है, आपको इसे ओपन करना है। फिर यस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी होम विंडो खुल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू पेशेंट को ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे क्रिएट पे जाना है, उसके बाद क्रिएट न्यू पेशेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मेल है, फीमेल है, अदर है, ठीक है, वो डाल सकते हैं। इसका डेट ऑफ बर्थ, एज, इस एंड टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टेलीफोन नंबर डाल के आप पेशेंट को सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपका पेशेंट बन जाता है। पेशेंट बनने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो बॉक्सेस हैं इन बॉक्स को सिलेक्ट करना है। आपको जस्ट उसका एक्सरे लेना है, आपको जस्ट उस बॉक्स को क्लिक करना है। तो आप ऊपर देखेंगे इस तरीके से आपका टूथ नंबर सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ये लेफ्ट के हैं, ये राइट के हैं, ये अपर है एंड ये आपके लोअर है। अगर आपको इंसाइजर लेना तो यहाँ क्लिक करना है, प्रीमोलर लेना है यहाँ क्लिक करना है, मोलर लेना है तो यहाँ क्लिक करना है। देखिए टूथ नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इसके बाद ये मैक्सिलरी हो गए, प्री मैक्सिलरी हो गए, इंसाइजर हो गए, ठीक है, ये आपके लेफ्ट के हो गए। तो इस तरीके से जो जिस बॉक्स को भी सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग टूथ नंबर सिलेक्ट हो जाता है। आफ्टर दैट आपको स्टैंड बाय के नीचे ये जो आइकन दिखाया है शूट वाला, एक्सपोजर वाला, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपका सेंसर रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद, ठीक है, आपकी इमेज आती है, जिस बॉक्स को आपने सिलेक्ट करा उसमें आपकी इमेज आ जाती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस बॉक्स में इमेज आई है उस पर देखिए आई बटन क्लिक करना है। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी ये इमेज बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी इमेज आ गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं जिनका यूज़ करके आप इसे अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं। तो मैं आपको वन बाई वन आपको इसका यूज़ बता रहा हूँ। तो जैसे इस वन लेआउट का है तो सिंगल आपका ऑलरेडी है, इस पर क्लिक करेंगे डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें आपका फोर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा आपको वन पे आना है तो वन पे आ जाइए। इसके बाद ये पेन है, इससे आप इमेज मूव कर सकते हैं। ये आपका रोटेशन का है, ये भी आपका रोटेशन का है, ये आपका इन्वर्स का है, ये आपका फ्लिप का है, ये लोकल इनहेंस। इसका क्या फ़ायदा है, जैसे अगर पर्टिकुलर एरिया आपको मैग्नीफाई करके देखना है, जैसे बोन लॉस हो रही है, आपको कैनाल देखनी है कहाँ तक जा रही है, तो आप ये इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कैनाल की लेंथ कहाँ तक है। इसके बाद ये फ्री हैंड, जैसे आपको कुछ टाइप करना है तो आप टाइप कर ड्रॉ कर सकते हैं। ये अगर आपको रेक्टेंगल में कुछ ड्रॉ करना है तो आप पेशेंट को दिखा सकते हैं। इसके बाद सॉरी, पहला वाला जो था गोल वाला था, ये रेक्टेंगल का है। अगर आपको रेक्टेंगल में कुछ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इसे हटाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका टेक्स्ट का है कि अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका लिख के आ जाता है। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है लेंथ वाला। अगर आपको कैनाल की लेंथ लेनी है तो आपको जस्ट जहाँ से स्टार्ट करना है लास्ट तक ले आके छोड़ देना है, तो आपकी टोटल कैनाल की लेंथ आ जाती है। अगर इसे हटाना है तो देखिए क्रॉस का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे हट जाएगा। इस पर डिलीट वाला बटन आ रहा है, हट जाएगा। ये भी डिलीट वाला बटन आएगा, हट जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे हटा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इसकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ानी है तो बीच में ये जो कर्सर है आपको इसे पकड़ के लेफ्ट राइट करना है। तो आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ब्राइटनेस कंट्रास्ट एडजस्ट हो जाती है। फिर एक कुछ लोकल सॉफ्टवेयर है, ये अंडू और रीडू ऑप्शन है। ये कंट्रास्ट देखिए बढ़ गया, ये शार्पनेस बढ़ गई, ठीक है। ये डी नॉइस का है, स्मूथ का है, ये इतना कोई खास यूज है नहीं, ये नॉर्मलाइज का है। आफ्टर दैट ये कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। वापस आना है तो ग्रे वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं। बिल्कुल रीसेट मारना है तो रीसेट आइए, ओके कर दीजिए, बिल्कुल फर्स्ट इमेज पे आ जाएगा, सारे चेंजेस हट जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको अब दोबारा पेशेंट की इमेज लेना है तो यहाँ से क्रॉस कीजिए। अगर उसी पेशेंट की दोबारा इमेज लेना है तो टूथ नंबर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर दीजिए।
और अगर यही पेशेंट आपका नेक्स्ट टाइम आता है तो आपको क्या करना है, ये सर्च वाले ऑप्शन पे जाके पेशेंट का नाम सर्च करना है तो उसकी एग्जिस्टिंग हिस्ट्री दिख जाएगी। और अगर आपको अब न्यू पेशेंट लेना है तो सिंपल दोबारा वहीं से प्रोसेस करना है कि आप क्रिएट में जाना है, ठीक है, पेशेंट ऐड करना है, बॉक्स सेलेक्ट करना है और एक्से शूट करना है। तो ये आपका न्यू और ओल्ड दोनों पेशेंट के लिए हो गया। अब आता है एक्सपोर्ट का। अगर आपको इमेज एक्सपोर्ट करनी है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज पे जाइए, सॉरी पहले आप पेशेंट सेलेक्ट कर लीजिए, इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, देन एक्सपोर्ट। इसके बाद यहाँ से आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में चाहिए। इसके बाद ब्राउज में जाके आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, फिर ओके कर दीजिए तो वो इमेज आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, आप पाथ दे दीजिए कहाँ पे सेव करना है। सॉरी ये देखिए कंप्लीटेड लिखा हुआ आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसको आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो आप ये बाहर हो गया। अगर किसी इमेज को डिलीट करना है तो आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कीजिए, डिलीट पे जाइए, आर यू डिलीट, तो ओके कर दीजिए तो देखिए वो इमेज डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों बेसिकली यही ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा आपकी कोई और इंक्वायरी है तो आप मुझे नीचे दिए नंबर कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको एक्सपेक्ट विजन आरबीजी परचेज करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको इस पर बहुत अच्छा ऑफर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।